नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी लालनटॉप देख रहे हैं। लालनटॉप की टीम इस समय रांची में है, झारखंड की राजधानी रांची। हम चुनाव कवरेज के लिए रांची आई हुए हैं और इस समय जो है कि स्टेट लाइब्रेरी यानी जो राज्य सरकार की लाइब्रेरी है उसके अंदर खड़े हैं। हमारे पीछे बहुत सारे युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कई सारे लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी नाराज़गी ये है कि पिछले 5 सालों में जितनी भी राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की जो भी परीक्षाएँ हुई हैं वो कहीं ना कहीं जा करके फंस गई हैं, कोर्ट में फंस गई हैं। तो कई सारी जो परीक्षाएँ हुई हैं वो बाद में क्लियर नहीं हो पाई। हम उनसे बात करेंगे बेरोजगारी के मुद्दे पे, देश में क्या चल रहा है, वो क्या देख करके सरकार चुनते हैं, प्रत्याशी देखते हैं, पार्टी देखते हैं, उनका हित क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या नाम है आपका? प्रभाकर कुमार। प्रभाकर, क्या करते हैं? मैं तैयारी करता हूँ। अच्छा, बीटेक करते हैं। अच्छा, बीटेक किए हुए हैं। कहाँ से बीटेक किए हैं? बीटेक एमपी से किया हूँ और डिप्लोमा भी किया हुआ जो वो झारखंड से, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। तो तैयारी में मैंने सुना कि पिछले 5 सालों में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे कहीं ना कहीं फंस गए। हाँ, फंस गए। अगर जो निकली भी हैं भर्ती वो कोर्ट में जाके फंस गई हैं। तो अगर जो छात्र मतलब तैयारी करके नौकरी ले भी लिए हैं उनको जाके कोर्ट में मतलब उनको लग रहा है वो मतलब कंफर्म नहीं है कि अगर हम नौकरी बचेगी या हमारी चली जाएगी। तो नौकरी मिल जाने के बावजूद भी वो इस चीज़ मतलब, को लेकर निश्चिंत नहीं है कि उनकी नौकरी रहेगी कि जाएगी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुमित कुमार दास है। अच्छा, क्या कर रहे हैं? जी, मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। किस चीज़ की? ये जनरल कंपटीशन का। जनरल कंपटीशन पिछले कब से तैयारी कर रहे हैं आप? जी, हो 3-4 साल हो गया। 3-4 साल में आपने तो बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे। जी। अच्छा। वहाँ पे देखने को यही मिला है कि सरकार एग्ज़ाम तो ले लेती है यहाँ, पर पता नहीं क्या हो जाता है, कैसे हो जाता है, हम लोगों को कुछ पता नहीं चलता है। और रहा बात रिजल्ट का, रिजल्ट हमें बहुत देर से देखने को मिल जाती है, तब तक हमें कहीं और भटकना पड़ जाता है, है ना? बस यही सब बात है। मतलब जैसे अभी अगर वैकेंसी निकाला गया है, अगर अभी वैकेंसी निकाला गया तो इसका एग्ज़ाम कब होगा? अगले साल हो सकता है, हो सकता है रिजल्ट भी अगले साल हो। एक पंचायत सचिव का चुनाव हुआ था, उसका 3-4 साल में अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। मतलब रिजल्ट दिया 3 साल में, एग्ज़ाम लिया आप अगले साल, फिर रिजल्ट दिया आप अगले साल, अब ज्वाइनिंग आप इंटरव्यू तो बहुत लंबा वक्त जो गुजर जाता है। 5 साल एक छोटी सी वैकेंसी के लिए आपको 4-5 साल लग रहे हैं। तो आप अगर जेपीएससी लेवल की वैकेंसी का आप क्या करोगे? आप निकाले ही नहीं है 5 साल में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित हुआ। अच्छा, क्या तैयारी कर रहे हैं आप भी? हाँ। अच्छा, क्या तैयारी कर रहे? SSC के CGL की तैयारी कर रहा हूँ। तो कोई एग्ज़ाम निकला कि नहीं? एग्ज़ाम तो तब निकलेगा ना जब एग्ज़ाम देगी गवर्नमेंट। अभी 5 साल में JPSC का एक भी वैकेंसी नहीं आया हुआ है। पिछले बार 2014-15 में JSSC का वैकेंसी आया हुआ था जो कि कैंसिल हो चुका है। अभी फिर से JSSC की वैकेंसी आई है, पता नहीं कि गवर्नमेंट चेंज होने के बाद कैंसिल होगी कि रहेगी। फिर भी पॉजिटिव थिंकिंग के नोट पे अगर आप देख लीजिए, यहाँ पे पिछले बार पंचायत सचिव का यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ, मामला कोर्ट में चला गया। प्रॉब्लम ये है कि कोर्ट में अगर मामला फंस जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपने एज अ गवर्नमेंट जो भी वैकेंसी निकाली है उसका नोटिफिकेशन आपने अच्छे से नहीं रखा होगा, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम तो है, यहाँ पे बेरोजगारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 40% संसाधन झारखंड का पूरे ऑल ओवर इंडिया का लेकर के हम बैठे हुए हैं, ठीक है? उसके बावजूद अगर यहाँ के स्टूडेंट्स को, यहाँ के लड़कों को पलायन करने का मौका मिल रहा है तो समझिए इससे ज़्यादा बुरी बात और हमारे लिए क्या हो सकती है। आप यहाँ पे, ये तो वो वाली हाल हो गई कि जैसे दादा भाई नौरोजी ने एक टाइम पर कहा था कि इंडिया में इंडिया का संसाधन आप यहाँ से उठाते हो और थेम्स में जा कर के उसको स्पंज के टाइप से आप वहाँ पे उसको दे दे रहे हो। वही काम हो रहा है यहाँ पे, झारखंड से रॉ मटेरियल उठाया जा रहा है, बाकी दूसरे जगह पे फैक्ट्रियाँ लग जा रही है। यही कर रही है भारत पेट्रोलियम को, जैसे अभी PSU जो बेनिफिट में है उसको क्यों बेच रही है? उसका क्या जवाब देगी केंद्र सरकार? उसको जवाब देना चाहिए। आप जो घाटे में चल रही है उसको आप बेच दो तो लोगों को समझ में आ रहा है कि ये घाटे में है। मोदी ने एक बार कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन सारी बिकने दूंगा तो बेनिफिट वाली जो PSU है उसको बेचने का क्या कारण है? भारत पेट्रोलियम इतना बेनिफिट में चल रहा है, आप उसको बेच रहे हो तो हम लोग का इंजीनियरों को रोजगार कहाँ मिलेगा? इंजीनियरों को PSU में मिलता है, PSU में सबको बटा हुआ है कि OBC इतना जाएगा, SC इतना जाएगा, उसको भी आप ख़त्म कर दोगे। फिर देखिए, जो भी इस समय चुनाव भी चल रहा है, चाहे वो रघुवर सरकार हो या JMM हो, सारे लोग ये वादा कर रहे हैं कि हम आने वाले टाइम में नौकरियां देंगे, तो भरोसा कैसे करेंगे आप लोग? किसी पे नहीं भरोसा किया जा सकता है आज के डेट में, किसी पे भी नहीं किया जा सकता। मतलब कौन क्या कर देगा आके, मतलब उसका मुद्दा, चुनावी मुद्दा एक अलग हो गया है। छात्र में ये क्लियर है कि चुनावी मुद्दा और करना, रियल में करना, वो बहुत अंतर हो जाता है।
आप क्लियर कैसे कर सकते हो? आज के दिन पे आप किसी विधायक को चुनते हो, कल के दिन पे वो पार्टी बदल लेती है, आप पार्टी को लेकर के वोट देते हो, कल के दिन पे पता चलता है कि उस विचारधारा को लेकर वोट दिया, विचारधारा नाम की, क्या नाम है? सर मेरा नाम प्रेम सोनसी हुआ। बहुत सारी उम्मीदें थी बीजेपी सरकार, सबसे पहली बार यहाँ पर स्थायी सरकार बना 19 साल बाद, तो बहुत सारी उम्मीदें छात्रों को, छात्रवृत्ति और ये सब आरक्षण से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, यहाँ पे जितना भी एग्जाम हुआ है उसका मेन मुद्दा ये रहा है कि आरक्षण प्रॉपरली ठीक से नहीं मिल पाया है, आरक्षण प्रॉपरली ठीक से जो कट ऑफ होता है, जो बेसिस पे कट ऑफ होता है या इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, या फिर जैसे ओबीसी को जनरल कैटेगरी में नहीं डाल पाते, ओबीसी में जैसे रहता है कि 15% बच्चे ओबीसी के ही छाटेंगे वो प्री में या मेंस में, तो इस तरह का रहता है कि बच्चे पहले ही छाटा जाते हैं, तो वो फिर धरना देते हैं, फिर प्रदर्शन करते हैं, फिर कहीं जाके फिर आरक्षण के लिए कोई कोर्ट पे फाइल कर देता है, तो ये बहुत सारी रीज़न है जो कि क्लियर नहीं कर पाए। इसके बाद आप जाइए रिम्स में जाइए, यहाँ का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे प्रॉपर नर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। हाँ, आप वहाँ पे अगर उनका वो पॉलिसी निकालिए कि कितने बच्चे अभी तक रिक्रूट हुए हैं, क्या बोलते हैं, अगर नर्सिंग में कितने बच्चे रिक्रूट हुए हैं, अगर आप वहाँ पे आशा बहन जो मैंने सुना है कि रिम्स जो है एकमात्र ऐसा ये झारखंड का हॉस्पिटल है कि कोई भी कहीं से भी यहीं पे ट्रांसफर है। रिम्स ही बचा है, ऐसा नहीं है कि और फिर आप कहीं भी, मतलब बिहार देख लीजिए आप, वहाँ से आदमी लोग यहाँ पे आते, सुविधाएं हैं यहाँ पे, ये हम मानते हैं, लेकिन आप जाइए न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जाइए, आप वहाँ पे आप देखिए कि कितना भीड़ है, मतलब कि लोग बाहर है, बेड बाहर है, मतलब कि 10-15 सीट, मतलब गली में आप नहीं चल सकते हैं, ऐसा हालत है वहाँ पे। एक यूथ होने के नाते आप लोग कैसे सोचते हैं कि इन सब जो समस्याएं हैं ये सारी वो कैसे हल होंगी? ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार है, मैं यहाँ पे जनरल कंपटीशन का तैयारी करता हूँ अभी, और जैसे ये लाइब्रेरी कैसे हेल्प करती है तैयारी? लाइब्रेरी यहाँ पे आके पीसफुल माहौल है, यहाँ पे आके आप बाहर में भी पढ़ सकते हैं, अंदर में भी माहौल अच्छा है, और पढ़ने के लिए किताबें हैं यहाँ पे तरह तरह की, आप किताबें भी इशू करवा के आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। वादे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सारी सरकारें कर रही हैं, एक यूथ होने के नाते मतलब उस पर भरोसा करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। वादे यहाँ पे तो जितने विधायक लोग आएंगे या फिर ये आएंगे, अस्थाई सरकार देखिए, अस्थाई सरकार आई लेकिन अभी तक तो क्या किया आपने खुद बताइए। यहाँ पे ये JPSC का ना एग्ज़ाम हुआ है 5 साल में, JSSC का एग्ज़ाम अभी जैसे CGL आया है, कितने साल में आया, 2015 में निकाला गया था, जो काफ़ी फिर से निकाला है, अभी ये एग्ज़ाम होगा नहीं होगा क्या गारंटी है इसके? अरे इसमें भी क्या अभी इसमें कोई पॉलिसी नहीं है भरने का, अभी चुनाव के लिए निकाला गया ठीक है, इसमें भी ये अथी है कि आप अगर फॉर्म भरते कि बाहरी को क्या, इसमें क्या स्थानीय नीति को फॉलो भी नहीं किया गया, इसमें स्थानीय तो फॉलो नहीं किया गया जो कि मेन मैटर है, आप इसमें फॉर्म भरवा रहे हैं, स्थानीय नीति क्या है वो, आप इसमें फॉर्म भरवा रहे हैं तो इसमें कितना परसेंट आरक्षण है, कितने परसेंट आरक्षण है ये आप क्लियर नहीं किए हैं, अभी तो आप इसमें सब कोई फॉर्म को भरवा दे रहे हैं, अब इसमें कुछ नहीं मांग रहे, आप सिर्फ इसमें मांग रहे हैं कि आप यहाँ के रेसिडेंट्स हैं, सिर्फ हाँ कीजिए, देखिए फॉर्म ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, इससे क्या होगा कि सब कोई बाहर वाले भरेंगे एग्ज़ाम, फिर ये आप ये इस चीज़ को जो है कि यहाँ की JMM जो विपक्ष की पार्टी है उठा रही है कि उनका कहना है कि बाहरी को नहीं यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग भी बहुत पलायन भी तो करते हैं, यहाँ के लोग जो हैं, क्यों सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे डोमिसाइल सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए समस्या है कि बाहरियों को मौका नहीं मिलता, बिहार देखिए कोई डोमिसाइल की प्रथा नहीं है वहाँ पे, सब भर सकते हैं सब एग्जाम में, यहाँ पे डोमिसाइल की प्रथा हो गई तो उससे सही करें कि स्थानीय जो नीति नहीं हो पाएगा। अब हर सरकारों ने क्या किया है कि आप जैसे महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो हर लोग कह रहे हैं कि हम वहाँ के लोगों को 70% 80% लोगों को नौकरियाँ देंगे, तो बाहरियों को लेके कैसे सोचते हैं? बाहरियों के लिए भी कुछ सीट रिजर्व्ड है वहाँ पे, 10 आप देखिए बिहार में 90% अगर 10% बाहरियों के लिए है, 10-20% बाहरियों के लिए है, अगर आप MP में जाइएगा, मध्य प्रदेश में जाइएगा, वहाँ पे बाहरी लोग को अगर डोमिसाइल आपका नहीं है तो वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, राजस्थान में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हाँ, टेक्निकल हो या सरकारी हो, आप यहाँ पे एग्ज़ाम तो पहली बात हुआ नहीं यहाँ पर प्रॉपरली, कोई एग्ज़ाम की यहाँ से कोई रिक्रूट हो सके तो आप बच्चे कहाँ से ला रहे हो? यहाँ पे संसद वर्क कर रहा है, सब चीज़ वर्क कर रहा है, तो वहाँ से बच्चे कौन जिम्मेदार कौन है इसके लिए यहाँ पे अभी तक स्थायी सरकार? क्या नाम है आपका? मेरा नाम करमू राव हुआ। अच्छा, JPSC का तैयारी करते थे अब, लेकिन अब देखिए 5 साल से लटकाया हुआ, तो अब चेंज करना पड़ता है। अच्छा, तो अब आगे की क्या तैयारी? देखिए आगे क्या करना है, झारखंड में तो जान ही रहे हैं, हाथी उड़ाया जा रहा है, कीट पतंग थोड़ी है उड़ेगा, हाथी उड़ा रहे हैं रघुबर, हाँ हाथी उड़ा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि हाथी उड़ेगा। आप देखिएगा, बोला गया था कि 3 लाख करोड़ रुपया का जो है
कंपनियां बाहर से कंपनियां आएगी यहां पे इन्वेस्ट करेंगी। मैंने सुना कि एक दिन में उन्होंने 26,000 लोगों को जॉब दिया और लिम्का बुक ऑफ में उन्होंने अच्छा एक बात बताइए। नहीं नहीं आप 26 आगे उसके आगे क्या है कि उसके आगे क्या है कि वो बाद में जो है ऐसी नौकरियां निकली कि लोगों ने ज्वाइन ही नहीं की, एटीएम कार्ड की थी और इस तरह की। अच्छा बताइए, नहीं नहीं 32 लाख सरकार बोलती है कि हम 32 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं, मगर 32 लाख वो झारखंड में नहीं है, वो बाहर है। अच्छा। वो 8-10 हज़ार का नौकरी है, तो एक हिसाब से आप 32 लाख यहाँ का पढ़ा लिखा युवा को आप पलायन कर रहे हैं। 8-10 हज़ार भी नहीं, पलायन के लिए मजबूर कर रहे हैं, पलायन के लिए मजबूर कर रहे हैं। कोई नहीं किया, 32 लाख जो है ना वो कोई भी नौकरी कर सकता है, वो केवल रिकॉर्ड में है, वैसा कोई किया नहीं। सरकार का शुरू से यही आदत रहा है ना कि आप सिर्फ और सिर्फ आपका आंकड़ा दिखाएंगे, आंकड़ा दिखाएंगे, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, सिर्फ आंकड़ा। बीजेपी की सरकार में, बीजेपी में बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी। ये तो नेशनल लेवल पे भी बेरोजगारी बढ़ी है। यस सर, जब भी अभी जीडीपी आप देखिए क्या नाम जी पवन राम, जब भी चुनाव का ये आता है तो मुद्दे पे बात नहीं करते, ये जब भी आएगा तो हिंदू मुस्लिम जात इसी राम मंदिर या जेएनयू की भी बात नहीं, जब वहाँ पे इतने सारे फी वृद्धि को लेके हो रहा है तो उसके ये सवाल है कि जो संस्थाएं हैं जो सरकारी हैं उनमें फीस बढ़ोतरी की चीज़ें जो हैं, मैं जेएनयू की बात कर सकता हूँ, मैं एमसी से पढ़ा हूँ, वहाँ भी फीस बढ़ोतरी की बातें हो रही हैं, तो आप लोग इसको किस रूप में देखते हैं? सर ये गवर्नमेंट है ना, शिक्षा मुफ्त में मिलनी चाहिए। अगर मान लीजिए लाइब्रेरी में ही फी लगा दिया जाए 300 रुपया अगर मंथली देना है तो यहाँ पे बहुत सारे छात्र नहीं आ पाएंगे। यूनिवर्सिटी में भी चल रही है अब 10 गुना 10 गुना फीस बढ़ा दी है रांची यूनिवर्सिटी। रांची यूनिवर्सिटी का ही होगा, पॉलिटेक्निक को प्राइवेट किया जा रहा है, पॉलिटेक्निक को अब बोल रहा है पॉलिटेक्निक में 35,000 रुपया फी लगेगा, हम लोग ने 445 रुपये में पढ़ाई की है। गरीब छात्र जो जिनके घर से 500-1,000 रुपये महीना आता है वो 35,000 रुपये फीस कहाँ से दे पाएंगे? मतलब गरीब का बच्चा पॉलिटेक्निक नहीं करेगा, जिसके पिताजी मान लीजिए नौकरी में है वही पॉलिटेक्निक कर पाएगा, गरीब का बच्चा नहीं कर पाएगा। अभी रांची यूनिवर्सिटी में आप देखिए बाहर से बड़े लोग आते हैं पढ़ने के लिए यहाँ पे, गरीब गरीब गाँव गाँव घर से। पहले आप 500 फीस लेते थे, 580 रुपये लेते थे, अभी आप एडमिशन करवाइए देखिए 2700 रुपये का फीस है वहाँ पे। तो ये सारी समस्याएं, और इलेक्शन जो है कि क्या होता है कि हम नई सरकार चुनते हैं और वही सारी चीज़ें तय करती है, तो क्या है कि इस बार किसको आप मतलब फिर किसको देंगे आप लोग वोट और किस आधार पे देंगे? सर इस बार नोटा जाएगा, इस बार जो है इस बार नोटा जाएगा। नोटा का तो कोई फायदा है नहीं, उसका कोई विकल्प नहीं है ना, उसका हम दे रहे हैं तो नुकसान कर रहे हैं अपना वोट, लाइन में लग के हमने अपना वोट नुकसान किया, उसका कोई फायदा ऐसे रहता है कि अगर नोटा अगर ज़्यादा आ जाए तो सब प्रत्याशी को जो है नोटा पहले नंबर पे आ जाए। हाँ जैसे नोटा अगर पहला नंबर में आ जाए 10% से अगर इंक्रीज कर गया या इतना परसेंट से तो कैंसिल कर दिया जाए, वहाँ कोई किसी की जीत वो नहीं की जाए तो है नहीं, तो नोटा दबाने से कोई फायदा नहीं है, तो राष्ट्रपति शासन है, इससे बेहतर राष्ट्रपति शासन है। तो मतलब ऐसे क्यों क्यों राष्ट्रपति शासन क्यों बेहतर? इसलिए बेहतर, झारखंड वो देख भी चुका है, इससे पहले जितनी भी सरकारें आई हैं सब में स्थिति सामान्य ही रही है। सरकार क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, हाँ मैं यहाँ पे डिप्लोमा किया हूँ सिविल इंजीनियरिंग में, 5 सालों से यहाँ जूनियर इंजीनियर की बहाली नहीं आई है। दूसरी बात, एक अनुबंध पर आई थी जुडको कंपनी में, वो 2,000 रुपया फीस ली और उसके बाद भी 2 साल हो गया अभी तक एग्जाम नहीं करवाई है, तो ये स्थिति है। जब पूछने जाइएगा तो छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है, कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जाता है। बोर्ड में जाकर आप JSSC के ऑफिस में पता करोगे तो वो बोलेंगे कि आपका अभी तक वहाँ से अधियाचना ही नहीं आई है। अब बताइए कि हम अधियाचना भेजेंगे भवन निर्माण विभाग सिंचाई विभाग से, ये तो सरकार की काम थी, फिर भी हम ही लोगों पर डांटा जाता है। सब क्षेत्र में यही हाल है, बस सिर्फ पेपर में ही दिखाया जाता है कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिए हैं, जबकि सब युवा हैं तो यही मौजूद हैं। ये बताइए, आप लोगों ने एक बार एक स्थिर सरकार चुनी 5 सालों के लिए, उससे पहले जो है, हाँ आइए आइए कुछ कह रहे हैं आप, हाँ आइए आइए, हाँ तो क्या उसका कोई लाभ नहीं मिला युवाओं को? सरकार थी लेकिन बहुत सुस्त थी, स्थिर सरकार थी लेकिन सुस्त थी। हाँ किस मामले में? सभी मामले में, आप सभी मामले उठाइए, आप सभी मामले में देखिए, सरकार ऐसा है कि जो मुख्यमंत्री है ना, या तो ये बोलिए कि या तो
सक्षम नहीं है या तो करना नहीं चाहते हैं। मुख्यमंत्री की बात क्यों, ये तो नेशनल लेवल पे भी है ना। अब जैसे प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं तो हमारी जो वित्त मंत्री है, आप इस पे बात नहीं कर सकते। ऐसा है कि झारखंड बात कर सकते हैं, अगर सीतारमन जी खाएंगी प्याज तब आप बात कर सकते हैं, अदरवाइज आप बात नहीं कर सकते। तो आने वाले टाइम में तो ये भी हो सकता है ना कि नेता कहें कि भाई हम तो जॉब करते ही नहीं, क्यों जॉब दे। नहीं वही वैसे ही होना, उनका जवाब ही उल्टा पुल्टा रहता है। अभी व्यक्ति की आजादी है, बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे प्रॉब्लम है, अब जेएनयू वाला फी हाइक के लिए नेशनल इशू बन गया, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, जेएससीसी का भी फॉर्म आया हुआ है, उससे पहले झारखंड उत्पाद का भी फॉर्म आया हुआ था, 1,000 फी है, 1,000 रुपया फी लिया हुआ है। ऊपर से आप सीबीटी मोड में भी नहीं ले रहे हो, आप ऑफलाइन मोड में ले रहे हो, आप 1,000 क्या इंडिया की बात करने वाले हैं जो ऑफलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में आज भी, तो क्यों ऑफलाइन मोड में एग्जाम हो रहा है, आप ऑनलाइन एग्जाम में लो। बोलते हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, आप ऑफलाइन 1,000 रुपए लेके आप ऑफलाइन एग्जाम ले रहे हैं, ये डिजिटल इंडिया आपका। यही प्रॉब्लम था ना कि देखिए प्रॉब्लम नहीं होता था, इस वजह से बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता था ना। इतना प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम तो ये सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। आप लोग युवा हैं तो कुछ तो सॉल्यूशन सोच रहे होंगे ना। हम लोग चाहते हैं कि जो नया सरकार आए ना, युवाओं के लिए सोचे, कुछ बेहतर सोचे। प्रत्याशी उठ रहे हैं, नया प्रत्याशी को कहीं टिकट ही नहीं दिया जा रहा है। रांची से सीपी सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, सीपी सिंह ही लड़ रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं कि वो जीतते आ रहे हैं। अरे जीतते आ रहे हैं तो अब वही ट्रेंड अब चेंज करना होगा, अब युवाओं के हाथ में आ गया है, अब चेंज होंगे धीरे धीरे। लेकिन यही है कि अब उसके अलावा जो विपक्ष में है वो भी वही तरह से बयान देते हैं। अगर हेमंत सोरेन की बात किया जाए तो 5 साल में उन्होंने भी आवाज नहीं उठाई सरकार के खिलाफ। सिर्फ आपके दागी हैं, 40% तो आपका दागी हैं, और जिनके उस पर भी 20% ऐसे प्रत्याशी हैं जिसमें गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, इस पर आप तो ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देखिए ये है ना कि जनता जब उन्हें चुन रही है तो उनका भी मनोबल तो बढ़ेगा। प्रॉब्लम ये है ना कि अभी दरोगा की पिछले साल वैकेंसी आई हुई थी, सिर्फ एकमात्र वही है जो कि रिक्रूट हो चुका है, ठीक है। उसमें भी 2500 बहाली आया था, बाहर का लिया गया है। ऊपर में एक और प्रॉब्लम है कि उसके लिए आप बोलते हैं कि छात्र क्या कर सकते हैं, छात्र लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करता है लाठीचार्ज हो जाता है, तो इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं। आप तो किसी ना किसी जुडिशियरी के अंदर में रह के ही काम कीजिएगा ना। अब आप यहाँ करेगा लाइब्रेरी में पढ़े या रोड पे जाके प्रोटेस्ट करे, डंडा खाए, सारा काम हमारा ही नहीं है ना। विपक्ष का भी तो कुछ काम है, विपक्ष भी वैसा ही है। वाला मैं आप खुद देख लीजिए ना, विपक्ष कुछ बोलता ही नहीं है। जो के विधायक कब उसमें सत्ता में शामिल हो जाए उनको खुद ही नहीं पता है, कहाँ से बोल रहे हैं। तो कुछ भी आवाज नहीं उठाते हैं। बस अभी चुनाव का समय है तो वो कहेंगे कि वो जमीन चोरी किया है, तो जमीन चोरी किया तो उनको जेल में तो डालिए, सिर्फ पेपरबाजी होता है कि वो। रघुवर दास से जब मैं इंटरव्यू ले रहा था इस बारे में तो ये कही गई कि हम विरोध की राजनीति नहीं करते। हमने उन्होंने नोटिस की बात की थी कि नोटिस भेजा है और ये सारी चीजें, क्या आपको लगता है कि वाकई में जो है कि अगर हाँ ना यहाँ पे अच्छा कि ना पिए आपको तो वो इंटरव्यू दी थी ना ना मतलब देखिए हम किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे, वो होश में करें। पर्सनल में 5 साल से बांस किए हुए हम लोग, कुछ बोले उसको, अब हम लोग को बोलने का समय है। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? अंतोष। अच्छा, क्यों इतने क्यों भड़के हुए? अरे यार 5 साल से ना नौकरी दे रहा ना, कुछ सिर्फ अपना जेब भर रहा है, बताइए जेब नहीं भर रहा है। उसका बेटुआ को दे दिया वो कांटा टोली वाला ओवरब्रिज बनाने के लिए, सब टेंडर घर वाला को मिल रहा है, हम लोग क्या करें बताइए, हम लोग बेरोजगार आदमी है। सरजू राय देखिए कितना, बीजेपी तो कहती है कि हम वंशवाद की राजनीति नहीं करते। वंशवाद कौन नहीं करती है? आप आलसू वाला को देखिए, वंशवाद नहीं है। आप आलसू वाला को देखिए, चंद्र प्रकाश चौधरी कहाँ से खड़े हुए, सांसद एमपी हैं, गिरिडीह से है ना, उनका भी ये वाइफ खड़ी हुई है ये रामगढ़ से, और उनका भाई भी खड़े हुए हैं बरकट्ठा से। ये क्या है आप बताइए ना, क्या ये वंशवाद नहीं है? अच्छा, अमित शाह के बेटे को जैसे अब बना दिया गया बीसीसीआई में, हाँ। जो भी मेंबर है वो कैसे सरकार जो है सारा ठीका अपना पुत्र को देते हैं, ये वंशवाद नहीं है, बिजनेस वंशवाद हो गया, भले उसको पॉलिटिक्स में नहीं लाए। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा यूथ वोटर झारखंड में है और बीजेपी को बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, बता दे रहे। 5 साल में ये सरकार कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, बस केवल मीडियाबाजी हुआ है, बयानबाजी हुआ है, बस और हाथी उड़ाया गया है। ऐसे आप डिप्रेशन में चला जा रहा है, विदेश भर में मीडिया लोग भी। सुजीत कुमार, क्या कुछ कह रहे हैं आप? सुजीत अरे बताइए, आप भी तो कोई समस्या होगी कि खुश हैं आप? नहीं, रघुवर दास सरकार से खुश है क्या आप? पूरी तरह से मीडिया भी बीजेपी के साथ दे रही है। आप अगर उठा के देखिएगा तो टोटल बीजेपी का आता है उसमें एजेंडा। यहाँ पे मीडिया जो भी बोलती, जितनी भी चैनल है, कुछ देखिए
देखिए सब बीजेपी कह देते हैं, अब पहले ही बता देते हैं महाराष्ट्र और हरियाणा में जो हुआ पहले ही बोल दिए कि बीजेपी बहुत आगे जा रही है, अब चुनाव जीत चुकी है, जबकि रिजल्ट इसके विपरीत आया। अभी झारखंड में भी यही बोला गया, आज आज के पेपर आप देखिएगा और उसमें लिखा हुआ है कि दो चरण के चुनाव में बीजेपी स्पष्ट बहुमत से आगे चल रही है, जबकि कहाँ लिखा हुआ है ये आज के पेपर में देखिएगा, हाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। पहले से इतना हवा बना देते हैं कि तीसरा चरण के चुनाव आएगा तो लोगों को लगेगा कि बीजेपी जीत रही है इसलिए बीजेपी को ही वोट दे दो। गलत है किसी एक पार्टी के। बात बताइए कि झारखंड एक छोटा सा राज्य है, क्या वाकई में पांच फेज में इलेक्शन कराने की जरूरत थी? नहीं नहीं, ये पांच फेज में जो है ना, तो वही शुरू में ही लगा कि पांच फेज में क्यों करवा जा रहा, ज्यादा ज्यादा अगर नक्सली इलाका है तो उसे दो तीन फेज। गवर्नमेंट यहाँ पे बोलती है कि पांच सालों में हमने अस्थाई सरकार दी और अस्थाई सरकार के साथ ही हमने नक्सलियों को खत्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इलेक्शन आने आता है, आप इलेक्शन से एक दो दिन पहले देख लीजिए क्या लातेहार में कांड हो गया है, गढ़वा में पलामू में कांड हुआ, उसके बाद आप ये भी देख लीजिए कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का डेटा है कि 81 जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 67 ऐसे लेजिस्लेटिव असेंबली है जो कि नक्सल प्रभावित है, ठीक है। तो आप आपका दावा तो ऐसे ही खोखला है, आप जो चुनाव आयोग को जो डेटा देते हो और जो आप डेटा रिलीज करते हो पेपर में उसमें तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। उसके बावजूद अब लोग वोट दे रहे हैं, लोगों के सामने क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, क्या है नहीं पता अब। तो चलिए, बहुत सारी समस्याएं हैं आप लोगों की, खास तौर से जब आप युवा होते हैं और किसी जॉब की तलाश में होते हैं और वो नौकरियां नहीं मिलती, बार बार एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत मुश्किल होती है इन सब चीज़ों को देखना। और ऐसे में कि जब ये भी नहीं, हाँ एग्ज़ाम दे नहीं पाते क्योंकि एग्ज़ाम देते भी हैं तो वो जा करके मुद्दे जो है कोर्ट में फंस जाते हैं, कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। किसी को नौकरी मिल भी जाती है तो उसको पता ही नहीं होता है उसकी नौकरी सुरक्षित है कि नहीं है। आप देख रहे थे झारखंड चुनाव और मैं डेविड हूँ, मेरे कैमरे के पीछे अमितेश। हम आपको झारखंड चुनाव के अलग अलग रंग दिखाते रहेंगे, मिलते हैं अगले पड़ाव पर। थैंक यू।